नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो पाथ ऑफ सक्सेस में। आज हमारे इस सीरीज में हमारे आज के सक्सेसफुल पर्सन है आदरणीय ब्रह्मा कुमार नरेंद्र भाई जी। नरेंद्र भाई जी हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के निवासी हैं और वो पिछले 50 वर्षों से इस ईश्वरीय सेवा में कार्यरत हैं और ब्रह्मा कुमारी के जिला मंडी के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं और साथ ही साथ ब्रह्मा कुमारी के ट्रांसपोर्ट विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। आदरणीय भाई साहब लौकिक नौकरी निभाते निभाते अनेक पदों पर कार्यरत होकर अपनी लौकिक सेवाओं में व्यस्त होते भी ईश्वरीय सेवाओं को हिमाचल जिले मंडी जिले के अलग अलग क्षेत्रों में निभाया। तो आज हम भाई साहब का अपने शो में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कार्यरत होते होते कैसे आपने अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसको बैलेंस किया, है ना, कैसे उन दोनों को अपने बैलेंस करके ईश्वरीय सेवा भी करी और आपकी जो नौकरी थी उसको भी निभाया। ओम शांति। तो एक्चुअली 19 वर्ष की आयु में मुझे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ज्ञान मिला और मेरी छोटी आयु होने के कारण प्लस इमोशनल नेचर होने के कारण मुझे ज्ञान बहुत गहरा संस्कार में बैठ गया। और दूसरी मेरी एक लगन थी कि मैं परमात्मा पिता से मिलूं। तो मैंने जब मेरे को डिस्कोर्स करवाया गया तो मैं आदरणीय दीदी जी से पूछा कि मैंने मेडिटेशन सीखनी है, जो आपने कोर्स करा दिया मुझे इसी में संतुष्टि है। तो 3 दिन के बाद ही मैंने ऐसा दीदी को कहा। तो दीदी ने मेरे से एक सवाल किया, दीदी ने कहा कि क्या 7 दिन का भोजन आप 1 दिन में खा सकते हो। तो मैं एग्रेसिव नेचर का था कॉलेज में, तो मैंने तुरंत उसका रिएक्ट किया। मैंने कहा दीदी मेरे को जो भी आप लेसन है, जो भी आपका ज्ञान है, वो मुझे पहले आप लेसन दीजिए, उसके बाद मेरा आप मेरे से पूछिए, अगर मैं नहीं बताता हूं तो आप मेरे को नहीं देना लेसन। तो जिस प्रकार से मैंने ये कहा तो दीदी को शायद उस टाइम लगा कि भी ये जैसे जैसा चार हम वैसा कर दूं। तो उन्होंने सार में बड़े स्माइलिंग फेस में मुझे कहा कि अच्छा चलो कल सवेरे फिर आपने मेडिटेशन सीखने के लिए सेंटर पे आना है, लेकिन 5 बजे आना है। और उस टाइम दिसंबर का मास था, दिसंबर मास में मंडी में बहुत सर्दी होती है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने 5 बजे आना है। अब फिर मेरे लिए दूसरा प्रश्न खड़ा हो गया कि 5 बजे आऊंगा तो पहले नहाऊंगा उठूंगा तभी 5 बजे पहुंचूंगा। तो मेरा जो रूटीन था, मेरा रात को 12 बजे सोता था और सवेरे 8 बजे उठता था और 10:40 पे मेरा पीरियड लगता था। तो इसलिए मेरे को बैलेंस करने के लिए अंदर में संकल्प चला। तो मैंने बोला कैसे करूंगा, तो मैंने वो क्वेश्चन भी दीदी से किया कि दीदी मैं तो नहीं उठ सकता हूँ 4 बजे, तो मुझे कैसे उठना है, क्या करूंगा, मुझे कौन उठाएगा, घर में तो मदर उठाते थे। तो दीदी ने कहा घर में जब लौकिक माँ बाप उठाते हैं तो क्या पिता परमात्मा शिव बाबा आपको उठाएगा नहीं। फिर उस बात पे मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ, सहमत नहीं हुआ, पर मैंने बहस भी नहीं की, मैं चल पड़ा। तो कहते हैं आपने यही सोचना है, सोती बार यही बोलना, बाबा मैं आपका बच्चा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, मुझे सवेरे 4 बजे आप उठा देना। तो रस्ते में मैंने जैसे हंसने लगा अपने मन ही मन में कि ये बाकी तो सब ठीक है, उठने वाला मुझे नहीं लगता हूं, निराकार परमात्मा बता रहे हैं बहन जी, और फिर ये बोलते हैं कि 4 बजे उठाएगा। तो 4 बजे वो ज्योति बिंदु परमात्मा आएगा भी कहीं से, तो मैं कैसे समझूंगा। फिर मैंने ज्यादा नहीं सोचा, चलो मैंने क्या कह देता हूँ, वो मेरा शायद बाबा ने मुझे खींचना था, क्योंकि मेरा एक संस्कार था कि अगर वो नहीं मैंने उठता तो शायद मैं आश्रम में नहीं आता। तो मैंने वो संकल्प किया सोने जब लगा कि बाबा अगर मैं आपका बच्चा हूं, आप मेरे पिता हैं, मुझे 4 बजे आप उठा देना और मेरे को आश्रम में जाकर के मेडिटेशन सीखना है, आपसे मिलना है। और मैं सो गया और सोया ठीक 4 बजे, 1 मिनट पहले 4 बजे से साकार बाबा, जो एक खड़ा बाबा जिसको कहेंगे धोती वाला बाबा, वो बाबा मेरे सामने आया, कहा बच्चे बाप को पहचान लिया। फिर मैंने करवट दूसरी तरफ बदली तो दूसरी तरफ फिर वही बाबा आ गए, तो बच्चे उठो टाइम हो चुका है, जैसे बोला बच्चे उठो टाइम हो चुका है तो एकदम अलार्म बज गया, अलार्म बजा मैं उठ गया। फिर मैं खड्ड में स्नान किया, दरिया में स्नान किया, बाहर जाके दरिया में स्नान किया, 5 बजे रेडी होके दौड़ता हुआ
बाजार सिटी के अंदर सेंटर था, वहां जाके पहुंच गया, किराए का मकान था, और सबसे पीछे बैठ गया। तो क्लास में 10-15 माताएं बैठी हुई थी, और मेरे को लगा कि दिन में तो मैं अकेला होता था, यहाँ तो बहुत माताएं, लेकिन मैं पीछे बैठा रहा। उन्होंने योग भी कराया, बाणी भी सुनाई, उसके बाद सब चले गए। तो मुझे दीदी ने पूछा कि उठाया आपको बाबा ने, तो मैंने एक शब्द कहा, दीदी आपके शिव पिता ने तो नहीं उठाया ज्योति बिंदु ने, पर मेरे गुरु महाराज के कोई दादा गुरु हो सकते हैं, उन्होंने मुझे उठाया, और बुजुर्ग से थे पर दादा गुरु हो सकते हैं। तो उन्होंने फट मेरे को ब्रह्मा बाबा का चित्र दिखाया, वही चित्र दिखाया, और उस चित्र में ऐसी खींच पड़ी मेरे को कि जैसे भी यही था, वो यही था, ऐसे लगा यही था। मैंने दीदी लगता यही था, ऐसे ही था, ऐसी मूछों वाला बाबा था। फिर उन्होंने मेरे को ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी के ऊपर प्रकाश डाला, और वो दिन, उसी दिन मैंने जैसे बाबा की कहानी सुनी, एकदम से मेरा संकल्प दृढ़ हो गया कि मेरे को अब जीवन इसी संस्था में देना है, और इसी संस्था में जीवन दे करके पूरे जिले में बाबा की सेवा के स्थान खोलने हैं, ये संकल्प आया। लेकिन साथ में ये भी संकल्प आया कि मुझे जॉब करनी है, ताकि थोड़ा अर्निंग होकर के मैं सेवा कुछ कर सकूं। मैंने वही संकल्प बाबा के पास साकार, बाबा के सामने फोटो के सामने बैठा, मैंने बाबा को कहा, बाबा मेरे को अब जॉब लेनी है, मुझे जॉब देना आपने, और मैं जॉब लेकर के ये जॉब भी तेरे लिए समर्पित होगी, मैं पूरा जीवन इसी तरफ लगाऊंगा, पूरे जीवन। मैंने 5 प्रतिज्ञा उस टाइम लिखी थी, तो मैंने बाबा के आगे रखा, और विद इन 1 मंथ मैं सिलेक्ट हो गया। मानो 8-10 दिन बाद मेरे को इंटरव्यू कार्ड आया, और जब इंटरव्यू आ गया मेरे को, और शिमला में मंडी डिस्ट्रिक्ट से मैं अकेला कैंडिडेट था, और शिमला डिस्ट्रिक्ट से सारे कैंडिडेट थे, 5 सिलेक्ट हुए, 70-80 लोग थे, 5 उसमें सिलेक्ट हुए, मंडी से मैं अकेला था। और जब मैं वहां इंटरव्यू में गया, तो एक क्वेश्चन मैंने ऐसा डिस्क्राइब किया था जिसमें पूछा गया था कि हमारे पूर्वज कौन थे, पढ़ा मैंने कुछ नहीं था, लेकिन मैंने उनमें लिखा था हमारे पूर्वज बंदर थे, आदि मानव थे। तो मैंने वो सब काटा लगा करके लिखा कि हमारे पूर्वज ना बंदर थे ना आदि मानव थे, बल्कि हमारे पूर्वज आदि देवी देवता थे, लक्ष्मी नारायण देवी देवता थे। और वो क्वेश्चन डिटेल से उस आईएएस ने पढ़ा, तो मेरे को बुलाया कि बेटे कहाँ से लिखा, किस किताब से लिखा। तो मैंने कहा कि मैं चिंतन करके लिखा है, ये वास्तविकता है, क्योंकि इनकी डेट ऑफ लाइन कोई नहीं बताता, लक्ष्मी नारायण इस दुनिया में कब थे। महात्मा गांधी की डेट ऑफ लाइन बताते हैं, लेकिन इनकी नहीं बताते हैं, और वो भी बन रखा है एक दूसरे अफसर। तो कहते हैं अगर आपको इसमें जॉब दे दी जाए, सिलेक्ट कर दिया जाए, तो आप क्या करेंगे। मैंने बोला समाज में ऐसी सेवा करूंगा, दोनों सेवाएं करूंगा, स्पिरिचुअल सेवा भी करूंगा और स्थूल सेवा भी करूंगा लोगों की, अगर मेरी सिलेक्शन इसमें होती है। तो देखिए बाबा मदद कैसे करता है, मुझे और भी उससे एक गहरा विश्वास हो गया। तो आपने मेरे से पूछा कि उस डिपार्टमेंट में आप गए तो कैसे आपने बैलेंस रखा, तो मेरी पोस्टिंग किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, मतलब शिमला डिस्ट्रिक्ट के आखिरी किन्नौर की बाउंड्री में हुई, और वहां जब मैं पब्लिक के कारों में जुड़ा, कारोबार में जुड़ा ट्रेनिंग के बाद, तो मैं सबको आत्मा होके देखने का अभ्यास करता था, एक ही गोल था बाबा का, कोई इसमें बच्चा निकल सकता है। और लोग चलाक होते थे, काम लेने के लिए वो ऐसे प्रदर्शनी सुन लेंगे और काम भी अपना निकालेंगे, लेकिन वहां नशे वाले लोग ज्यादा होते थे, लेकिन मैं उसमें कोशिश करता था, सुनाता था। लेकिन मेरे जो स्टाफ थे, मेरे कुलीग थे, मेरे सीनियर थे, वो सभी का खान पान वैसा होता था, अब मैं अकेला था, लेकिन उनके बीच में रहते हुए भी अपना काम भी निपटाता था, रिश्वत भी नहीं लेता था। पब्लिक के साथ मेरा 6 महीने के अंदर इतना तालमेल हो गया कि मेरे को पॉलिटिकल लोग जो है, मेरे को बड़े बड़े मंत्री लोग मेरे को जानने लग गए। लोग अगर मेरी ट्रांसफर करते थे तो लोग वहां के गांव के नेता लोग खुद ही चीफ मिनिस्टर के पास चले जाते, यही हमारे को चाहिए। इसकी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है क्या कारण थे, जहां भी हमने डिमार्गेशन की, जहां भी हमने कोई डिसीजन दिया, वहां पब्लिक देखती थी, चाहे मैंने किसी के फेवर में दिया चाहे डिसफेवर में, लोग मेरे पर फेथ करते और कॉम्प्रोमाइज करते थे, जबकि कॉम्प्रोमाइज कोई वकील भी नहीं करा पाता था। तो ये एक मैं कारण मानता हूं कि लोगों को मेरा ये इंप्रेशन था कि ये कुछ लेता नहीं, ये उनके अंदर इंप्रेशन था। क्योंकि हमने यही सुना ना कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, और ऐसे भी हर एक को अपना डिपार्टमेंट प्यारा होता है, कोई भी नहीं चाहता है कि मेरी डिपार्टमेंट की ये हो। पर जहां तक हमने सुना है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सारा कार्य जो है वो जमीन से होता है, क्रय विक्रय होता है, तो लोगों को होता है कि हम थोड़ा सा दे दें रिश्वत, है ना, अंडर द टेबल हम कुछ कर दें और हमारा काम बन जाए या हमारे पेपर में जगह आ जाए। तो क्या आपके सामने भी कोई ऐसी सिचुएशन आई या कोई ऐसी परिस्थिति आई, और आपने कैसे उसको हैंडल किया, कोई उदाहरण हो तो आप शेयर कर सकते हैं। मेरा मानना यह है कि केवल
रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही ऐसा भ्रष्ट, इसमें भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि आज की डेट में वर्तमान में हम देखेंगे पूरे सभी डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है, पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार, हर क्षेत्र में आज भ्रष्टाचार। मैं केवल अपने डिपार्टमेंट के लिए ही नहीं क्या कहूंगा, सब जगह भ्रष्टाचार भरा पड़ा है। लेकिन कैसे उसमें चला, मैं कैसे बैलेंस बनाया, ये मैंने इस ज्ञान से मेरे को मदद मिली, बड़ों की सीनियर की मेरे को मदद मिली। तो मैंने ये पाया कि जब भी कोई काम किसी का आता था, उसके बदले मुझे कोई ऑफर करता था, क्योंकि ये गलतियां हमारे कर्मचारी अधिकारियों की नहीं है, मैं मानता हूं ये लोग भी आजकल पब्लिक भी ऐसे हैं, अपने काम को निकालने के लिए हमारे कर्मचारियों को अधिकारियों को कई प्रकार के प्रलोभन देते हैं, लेकिन प्रलोभन में बड़े से बड़ा व्यक्ति फंस जाता है। वो मुझे इस ज्ञान की बहुत मदद मिली कि मैं कर्मों की थ्योरी को, उन दिनों बाबा की वाणी सुनता था, जगदीप भाई का प्रवचन सुनता था, क्लास सुनता था, तो कर्म फिलोसफी मुझे बहुत फेथ हो गया कि मुझे अगर लिया तो मुझे देना पड़ेगा, इन्हीं के पास मुझे पार्ट प्ले करना पड़ेगा। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा मन नहीं करता था कि मैं लूं, ऐसा नहीं मेरी बहुत सैलरी थी, बट मैं सोचता था नहीं मुझे नहीं लेना है, तो मैं उनका काम इसलिए निःशुल्क करता था, उसको ध्यान में रखते हुए लालच नहीं आता था। बाकी अधिकारी कर्मचारी हमारे वो प्रलोभन के बस में हो ही जाते थे, नेचुरल हो जाते थे, लोग प्रलोभन ऐसा देते थे जिसे वो आ जाते थे प्रलोभन में। तो मैंने ये बैलेंस बनाए रखा। दूसरा, जो मेरी धारणाएं थी, जितने इंटीरियर में मैं कहीं भी जाता, 3 दिन के टूर में जाता था तो मेरे पास भोजन नहीं होता था, ना वहां शॉप होती थी, ना कोई फ्रूट होता था, लेकिन मैं अपना काम करने के बाद लोगों के घर में आलू लेकर के उनके चूल्हे में डाल करके राख में उनको गर्म करके उनको इकट्ठे करके 2-3 रात निकाल लेता था, लेकिन फिर भी किसी के हाथ का भोजन नहीं खाया। वो लोगों में एक मैसेज आता था कि ऐसे कर्मचारी है, वो कहीं खाता ही नहीं है, अब बताइए। तो उसका भी शुरू में तो विरोध हुआ, लेकिन लोगों के अंदर एक ऐसा असर पड़ा कि ये कुछ खाता नहीं, ना है कुछ लेता है। तो मैं कई जगह गलत भी डिसीजन दे देता था तो वो भी लोग एक्सेप्ट कर देते। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक ऐसा झगड़ा था, एक सेब के पौधे का झगड़ा था, तो मेरे को अप्रोच किया किसी और जगह से लीडर के थ्रू, कहते उसी कर्मचारी के द्वारा हम डिमार्केशन चाहते हैं, जबकि वो एरिया दूसरे ज्यूरिडिक्शन में था। तो मुझे इनवाइट किया गया और मेरे से लोग जेलसी करने लगे भी ये लोगों के साथ बना के रखता है। तो मैं जब वो आ गया तो झगड़ा एक सेब के पौधे का था, एक बोलता है लाला मेरे को, उसने एरिस्टोक्रेटिक टैची थी, ब्रीफ केस 1 इंच मोटा है, वो पूरा नोट से भरा हुआ था। उस जमाने में 10 रुपए का नोट इतना बड़ा होता था और वो 10 रुपए के नोट से सारा बड़ा हुआ था। तो मुझे उन्होंने कहा लाला जी ने लग से कि कहते आपको ये पूरा दे देंगे, पर आपने पेड़ मेरी तरफ निकालना है, बस ये इज्जत का सवाल है। और मैं फंस गया कि अब करें क्या, कैसे डिसीजन लें। तो मैंने क्या किया, मेरे जो सीनियर अधिकारी थे उनके सामने मैंने केवल बैठ के दिशा बदली अपनी, स्थान वही था। मैंने पहले पूर्व की ओर अपना ध्यान ऐसे मुंह किया और उनको कहा आप बताइए जितनी पब्लिक है कि मेरा मुंह किस तरफ है, वो कहते पूर्व की तरफ है। फिर मैंने पश्चिम की तरफ कर दिया, मैंने कहा बताइए जितनी भी पब्लिक है उन्हें पश्चिम की तरफ है। फिर मैं नॉर्थ की तरफ किया, साउथ की तरफ किया। जैसे मैंने ये बोला तो मैंने कहा जमीन आपकी यही है प्यारे भाइयों, ये कहीं नहीं गई है, अब ये बात है पौधे की, एक पौधे की बात है, अगर आप उसमें कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो सदा के लिए आपका संबंध रहेगा, नहीं तो लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी कोई भी कोर्ट इसको डिसाइड नहीं कर सकती है। तो मेरी समझ से ये जहां कब्जा है ये उसी का है, उसी का, अगर आप सहमत है ठीक है। बताओ मेरा उनके ऊपर क्यों ऐसा असर पड़ गया, अधिकारियों का क्यों नहीं पड़ा, और उन्हें एग्रीमेंट किया और वो डिसीजन दे दिया मैंने, और मैंने नंबर दूसरे में डाल दिया क्योंकि वो एरिया मैंने मेजरमेंट करना था। तो अब आप देखिए ये किसकी कमाल है, ये मैं समझता हूँ जो मेरी ईमानदारी की थी और जो मेरी एक इसकी नेचर थी, भोलेपन की नेचर थी, तो वो लोग आम लोग समझ जाते थे कि इसको कोई लालच नहीं है, ये ठीक डिसीजन दे रहा है। तो ऐसा अनेक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल मैं रामपुर बुशहर का देना चाहूंगा कि जिस गांव में राउ नाम का गांव था, जो कि पंडितों का जमाने का फेमस गांव है, राजाओं के टाइम का, पूरे गांव में पंडित फैमिलियां ज्यादा रहती है, विद्वान पंडित, उस एक विद्वान के घर में मेरा घर था, मेरा आवास था। तो वहां एक बहू थी मेरे मकान मालिक की, 2 कमरे मुझे दे दिए थे, 2 कमरे उन्होंने अपने पास रखे थे, क्यों उनको काम थे। तो मैंने एक ऑफिस रखा था, एक रेजिडेंस रखा था, तो वो बहू ने
लोहड़ी के त्योहार पे अपने मायके में जाना था, और वहां उस जमाने में एक ही बस सरान दुसहर से चलती थी, टॉप सरान से, और वो उनके गांव को, तो वो 6:30 बजे निकलती थी, सर्दी का मौसम था। मैं 6:30 बजे नहाने जाता था, वहां बाथरूम नहीं था तो बौड़ी पे नहाने जाता था, और वहां से 200 मीटर दूरी पे बौड़ी थी, तो मैं डेली जाता था। तो मेरा कमरा खुला होता था, उस बहू ने अपने ससुर के सामने कपड़े नहीं बदले, वहां से उठ के मेरे कमरे में कपड़े चेंज किए और अपना चाक जो निकाला, वो चाक कहीं गिर गया, उससे चाक माना जो पीछे लगाती माताएं बहने, वो सोने का होता उस जमाने का, वो उसके मेरे चारपाई के नीचे गिर गया। उसने सोचा गुम हो गया, बस जाने वाली, उसके पास दूसरा चाक भी था, उसने अपने ट्रंक से दूसरा चाक निकाला और चली गई। और मैं जैसे 7:30 के बाद नहा धो के पहुंचा, मैंने प्यारे बाबा की मुरली पढ़ी, तो बाबा की मुरली में था कि आने वाली दुनिया गोल्डन एज जो दुनिया होगी, सभी के मैल सोने के होंगे, और कहा कि कोई वहां चोरी नहीं करता है, ना कोई ऐसा डिपार्टमेंट होता है। तो वो मुझे थोड़ा सा याद रहा। तो जैसे वाणी सुनने के बाद, पढ़ने के बाद मेरा ध्यान चारपाई के नीचे जब गया, तो चारपाई के नीचे मुझे दिखाया चाक, जब मैं देखा तो इतना बड़ा चाक था, मैंने तो पुराने जमाने का, उस जमाने में 5,000 या 6,000 की कीमत का था, जबकि मेरी सैलरी 400 रुपए थी। तो अब बताइए आप 5,000 का, तो मुझे लालच तो आया। मैं ये नहीं कहूंगा मैं बिगनर था, तो मेरे में संकल्प एक आया कि मेरे को कई महीनों की पे मिल गई, मेरे कमरे में गिरा है ऐसे। दूसरी तरफ संकल्प आया, मैं कौन हूं, मैं किसका बच्चा हूं, बाबा ने क्या कहा अभी। जैसे ये चिंतन किया तो निष्क्रिय हो गया वो संकल्प, और मैंने सोचा अब क्या करूं। तो मैंने उनकी सास को बुलाया कि भी आपकी बहू कहां है, कहते हो तो मायके चली गई। मैंने कब गई, कहते 6:30 बजे गई। तो मैंने बोला ये मेरे कमरे में चाक कैसे गिर गया, कैसे रह गया इधर, तो कहते उसने कपड़े चेंज किए यहां से और वो चली गई। तो मैंने उसको दे देना, लेकिन दूसरे दिन ही मेरे अधिकारी आए सीनियर, उनने स्पॉट विजिट करना था, जो हम सेटलमेंट में मेजरमेंट करते हैं, लोगों के खेत मापते हैं, उनकी चेकिंग होती है हर वीक। तो सीनियर अफसर आए तो उन्होंने पूछा, काम किया तो मेरे पास चाय वाय पी, मेरे से ऐसे जनरली निकल गया कि ऐसे इस माता का एक चाक गुम हो गया, रह गया था, और मैंने उसको वापस दिया। तो मेरा सीनियर कहता है कि क्यों आपने वापस दिया, मैं सोचा मेरे को अप्रिशिएट करेगा भाई आपने चाक वापस किया। तो उसने कहा इसलिए आप ठीक कह रहे हैं कि इस डिपार्टमेंट में ज्यादा भ्रष्टाचार है। तो उसने मुझे ये कहा कि आपने क्यों दिया है, ये तो आपका अधिकार था, आपके ऑफिस में गिरा है, इसमें कानूनी रूप में कुछ भी नहीं कर सकती थी आपका, तो आपने क्यों दिया। फिर मैंने बोला उत्तर क्या दूं, तो मैंने एकदम से उत्तर दिया टालने के लिए कि मेरी बीबी नहीं है सर, ना मेरी शादी हुई है, तो मैं किसको देता, इसलिए मैंने दे दिया। कहते मेरी तो बीबी है तो मेरे को दे देता, तो देखो मैं तो बिगनर था। तो मैंने बोला अच्छा ये अफसर भी चोर है, तो मेरे को लगा ये अफसर भी ले सकता था। मैंने उस माता को चुपके से रात्रि को बोल दिया कि माता जी मेरे जो अफसर आए थे उन्होंने कहा कि ये इस कानून में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैंने उसको डराया मेंटली ताकि वो माता दोबारा ऐसी गलती ना करे। तो मैंने बोला यहाँ कोई चीज रहेगी तो फिर मत कहना कोई भी चोरी कर सकता है। और उसने उस माता ने नजदीक एक किलोमीटर पे एक महात्मा, उस महात्मा का नाम था उस जमाने में जो महात्मा थे वहां देवचंदन जी महाराज, वो कहीं कुल्लू की तरफ से आए थे, ग्रेजुएट महात्मा थे, 27-28 साल उनकी एज थी, मेरी 21 साल एज थी। तो वो उनके पास बोला उस माता ने कि कहते हैं एक यहाँ पटवारी आए हैं और उन्होंने ऐसे ऐसे किया, और उनके सीनियर ने कहा कि मेरे को दे देते हैं, कहते उस पटवारी को बुलाओ। और वो माता मेरे पास पहुंची कथा सुनने के बाद, कहते जी आपको वहां बुलाया है। मैंने किस लिए, बोले उन्होंने बुलाया महात्मा जी ने। फिर मैंने सोचा इतना बिजी, मेरे को विश्वास नहीं था, नहीं महात्मा पास मैं क्या करूंगा जाके, मैं नहीं गया। लेकिन महात्मा दूसरे दिन रात्रि को मेरे पास खुद पहुंच गया, और ओम ओम करता सफेद उनकी थी धोती थी, और वो पहुंच गया। मैंने कहा यही महात्मा हो सकता है, तो मुझे उसने ओम ओम जय माता जी बोला और आगे मैंने आदर किया जैसे करते हैं, अपने ड्राइंग रूम में बिठा दिया, आधा घंटा बातचीत की, फिर उसने वो बात की। फिर उसके बाद उसने मेरे को डिमांड कर दी कि कहते हैं मैं भोजन भी आपके पास करूंगा। अब मैं उस जमाने में नया नया ब्रह्मा कुमार था, रोटी मुझे नहीं आती थी, रोटी नहीं आने के कारण मैं चावल ज्यादा खाता था, तो मैं वीकली एक दिन रोटी बनाता था और 7 दिन चावल खाता था, ऐसे 7 दिन रोटी बाकी 21 दिन चावल खाता था। तो मैंने सोचा उसको चावल ही बना दूं, जैसे मैं चावल डालने लगा तो बोलता है हम चपाती खाएंगे। तो फिर मैंने उस पर्दा रखा था किचन में लगा के, तो पर्दे के अंदर किचन था उसी ड्राइंग रूम में, तो मैंने जैसे ही स्टोव जलाया, उस जमाने में स्टोव होता था,
तो मैंने जैसे आटा बनाया और उसको गोल गोल चपातियां बनाने लगा, बेलने लगा, ताकि इसको रख दूं, जितनी गोल हो जाएगी ठीक है उसको दे दूंगा, जो नहीं होगी मैं चावल खा लूंगा। लेकिन तुरंत तो महात्मा वहां से उठा और उसने किचन की सीरीज को ऐसे खींचा डोर को, फिर कहता है आपने ये क्या तमाशा फिट किए। मुझे आई फेल्ट वेरी मच, मेरे को लगा ब्रह्मा कुमार होके मेरे को तो सीखनी चाहिए। फिर मैंने बोला, मैंने सोचा महात्मा जी, मैंने बात को बदला कि मैं बेला बैठा था, चावल बन रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं चपाती बेल के रख देता हूँ। फिर उसको खाना खिलाया और रात को बोलता मैं आपके पास ही सोऊंगा। एक्चुअली वो इस नशे से आया था कि मैंने इस लड़के को अपने साथ दोस्त बना के अपना भक्त चेला शिष्य बनाना है। अब आप बताओ, नया जो कुमार होगा वो तो प्रभाव में आ सकता है। उसने मुझे रात्रि को ओम दिखाया, कुछ ऐसे कागज पेपर जलाया मंत्र पढ़ के और उसको ऐसे हाथ में मालिक किया और उसमें मेरे को बोला देखो मैं ओम, और उसमें ओम आ गया हाथ में लिखा हुआ। कहते आप कुछ भी पूछो आपको ये माता सिद्धि है मेरे पास भाई। इस प्रकार मेरे को प्रभावित किया उसने। ये बड़ी लंबी कहानी है उसने मुझे कैसे प्रभावित किया, लेकिन मैं उसी प्रभाव में रहा बाबा के। उसने एक सवाल किया वो मैं सुनाना चाहूंगा। कहते हर जीव पूर्ण ब्रह्म बन जाता है शास्त्रों में ऐसा गाय ने, मैंने शास्त्र पढ़े नहीं थे। और उसने कहा भी आपका क्या उत्तर है, तो मैंने कहा माता मेरा अनुरोध है आपसे कि भी मैं मॉर्निंग में आपके एज फ्रेंडली ऐसे ही मिलूं और ऐसा ना हमारा कोई विवाद हो, मैं जो भी बोल पाऊंगा उसके लिए आपने बुरा नहीं मानना। बोले ठीक है। मैंने फिर बाबा से कहा बाबा मेरे से जो निकलेगा इसको सुना देना तेरा संदेश। मैंने सीधा ही संदेश दिया कि आप महात्मा महात्मा रहेंगे, मैं नरेंद्र वर्मा नरेंद्र वर्मा ही रहूंगा, और ये नहीं आप कह सकते हैं कि हर जीव पूर्ण ब्रह्म हो जाता है। वो एकदम अग्रेसिव हो गया और चिंता लेके आवाज करने लगा। कहते साईं बाबा का पूरे विश्व में प्रकाश है, फलाने महात्मा का पूरे विश्व में प्रकाश है। मैंने भी वैसे दम से बोला, मैंने आप गलत कह रहे हैं, साईं बाबा का भी पूरी दुनिया में प्रकाश नहीं है। किसी भी महात्मा, किसी का डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, किसी का स्टेट लेवल का, किसी का नेशनल लेवल का है, बाकी पूरे विश्व में किसी का प्रकाश नहीं, केवल एक परमात्मा का है। ये कह के उसको उन्होंने कन्विंस करने का कोशिश किया। तब मैंने पाया कि बिगनर में जब कुमार निकलते हैं ज्ञान में, उसको कोई भी व्यक्ति कन्विंस करेगा, अगर वो कच्चा होगा बाबा के प्रति वो उस तरफ मुड़ सकता है। तो मुझे बाबा ने बचाए रखा वहां भी, तो स्पिरिचुअल बैलेंस में इस प्रकार से रखा, मैं उसके लालच में नहीं आया कि मुझे सोने का चाक मिल गया। तो जैसे आप खुद भी कुमार थे और आपने कहा कि बाबा ने आपको साधु से बचाया, तो वैसे आपका लक्ष्य भी रहता है कि आज का कुमार कुमारी कैसे बचे। तो उसके लिए आपने मंडी जिला में कुमारों के लिए एक मकान लेकर ना पांडव भवन खोला, जिसमें आपके साथ 8-10 कुमार रहते थे, उन्होंने आपने उनको ट्रेन किया। तो आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्योंकि देखो हम संगठन में रहते हैं तो बहुत सारी परिस्थितियां भी आती हैं, तो क्योंकि संस्कारों का टकराव भी होता है, तो कैसे आपने जो है वो परमात्म ज्ञान के आधार से उसको सॉर्ट आउट किया है ना, उसको कैसे हमने समस्या का समाधान किया। हाँ, मैं इसके लिए कहना चाहूंगा कि जब मैं ईश्वरीय ज्ञान में आया तो सबसे पहला संकल्प मेरा ये था कि पूरे मंडी जिला में बाबा के स्थान खोलूं। और लेकिन बहनें भी कुमारियां भी इसी जिले से निकले या हिमाचल की ही निकले, ऐसा भेदभाव से नहीं, लेकिन इसी हिमाचल या इसी जिले से निकले, और कुमार भी इसी जिले के मैं तैयार करूं, कम से कम मैं 100 कुमार तैयार करूं, ऐसा संकल्प आता था। जब विवेकानंद 100 कुमारों की कल्पना करता है, हमारे पास तो ज्ञान मिला है, तो मैंने कहा मैं ऐसे कुमार तैयार करूं तो मुझे पहले 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मेरे पास सबसे पहले कुमार, जहां मेरी नौकरी ब्रोक में लगी 84 में चौहार घाटी में, तो वहां से छोटे भाई लड़के निकले स्कूल जाते थे, वहां से मैं एक लड़के को कॉन्टेक्ट में लाया, उसका नाम प्रेम भाई है, और नौकरी भी उसको बाद में खुद दिलवाया। आजकल वो टीचर है, किसी भी सेवा स्थान में बाकी पदर में सेवाएं दे रहा है। ऐसे एक भवदेव नाम का कुमार जो मेरे पास 15 साल रहा, उसको भी रखा। यही जो आश्रम के अंदर कृष्ण भाई रहता है, ये भी बाहर से आया, इसको भी अपने पास रखा। तो किराए का मकान मैंने राजमहल में मेरे लिंक थे, मेरे से काम पड़ते थे लोगों को, तो मैंने वहां 3 रूम सेट लिया, वहां मैंने उनको रखा अपने इस लेवल पे। और दीदी को ये कहा कि ऐसा संगठन बना के हम पूरे जिले में सेवा करें, तो हैंड तो चाहिए, मैं तो नौकरी करता हूं। तो मेरी ये नेचर थी कि उनको ट्रेनिंग देने की, कि मैं उनको कुछ भी नहीं पूछता था, कैसा नहाना धोना शुद्धि अलग कमरे में उठा दिए, फिर उनको बात करता था, उनसे बोलते थे, कुछ भी करते थे, खिलाऊंगा पिलाऊंगा उस प्यार से, बाबा की बात आश्रम में ले आऊंगा, यह खाने को मना करता था मैं। मेरे को पता था 8-10 चपातियां खाते थे, तो मैंने कहा आश्रम में 4 दिन रहेंगे 8 दिन रहेंगे, और किसी बहन से नहीं बनाएगी तो टूट जाएंगे, घर भाग जाएंगे, ये केवल मेरा एम था, ताकि उनको खड़ा करने के लिए मुझे त्याग करना पड़ेगा।
सोशली मेरे को उनकी पालना करना पड़ेगी। जब मैं उनको पालूंगा, क्योंकि उन दिनों पालना की भी बानियां सुनता था कि दादियां पालना देती है, तो मेरे को लगा इनको कौन पालना देगा। अब जो जो मेरे पास कृष्ण नाम का भाई है, एक बार हमने कंपटीशन किया, संडे को खाना बनाया तो मक्की की रोटी 12 खा गया, 12 रोटी को खा सकता है, और नेपाल का भाई था। फिर मैं सोचा मैं ज्यादा खाता हूं, मैं 3 खाई मुश्किल से, नहीं खा सकता, तो 12 रोटी खाई। ऐसे मेरे पास जो कुमार थे, हम जैसे खाने पीने में उनको मैं छूट रखता था, वही बनाएंगे, पर मैंने खुद नहीं सिखाया, खुद मैं बिजी रहता था, उनके ऊपर रख देता था। जो खाना हफ्ते में एक बार पनीर बनाता था या 2 बार पनीर बनाता था, ताकि इन कुमारों की बुद्धि बाजार में ना जाए। और हमने सिनेमा वगैरह जैसे मैंने छोड़ा ज्ञान में आने के बाद, तुरंत कोई सिनेमा मूवी कुछ नहीं देखता था, उनको मैंने यही कहा। और मंडी में मेरा वोकल म्यूजिक था कॉलेज में, तो मंडी में कोई भी शिवरात्रि मेला में राष्ट्रीय कलाकार आते थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार आते थे, तो मेरा उत्सुकता होती थी मन की मैं जाऊं, क्योंकि पास हमने कलेक्टर ऑफिस से लेने होते थे और उनको पास दिलाता था। खुद मेरे को शर्म रहती थी कि मेरे कुमार मेरे को कहीं देख लेंगे, ये वहां भी जा रहा देखने के लिए, ये भी जाना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं इनको दुनिया का रंग लग जाए। तो मैंने पालना का मेरा भाव रहता था इस ढंग से, और मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि जो पाले हैं आज सब जिंदा है आपके सामने। कृष्ण नाम का भाई यहाँ सेवाएं दे रहा है, प्रेम भाई पद्धर में नौकरी भी कर रहा है, 60-70 हज़ार रुपए सैलरी लेता है, और भगदेव भाई भी TGT टीचर लगा है और चैल चौकी सेवाओं को संभाल रहा है, और धर्मचंद भाई आपके वहां सोनीपत में, और ऐसे ही खगेंद्र भाई आपके माउंट आबू, ऐसे अनेक भाई यहाँ आए यहाँ कुमारों पर। कुमार जिंदा रखने के लिए मेरा मानना है कि उनकी पालना होना जरूरी है। तो देखा हम सब ने कि भाई जी ने कैसे अपनी है ना नौकरी करते हुए भी ईश्वरीय सेवाओं का विस्तार किया, है ना। जैसे अपने कहा ना कि धर्त परिये पर धर्म ना छोड़िए, है ना, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में रहे पर अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपनी धारणाओं को नहीं छोड़ा, उस परमात्मा का साथ नहीं छोड़ा। तो वैसे ही इनकी यही सभी के प्रति आशा रहती है कि जो भी कुमार है कुमारी है वो भगवान का बनकर इस ईश्वरीय कार्य में सदा कार्यरत रहे। और इन्होंने कहा कि इनके अंदर पालना के संस्कार, जो हमने इनके अनुभवों में जाना कि इनके अंदर पालना के संस्कार थे, है ना, जिसके कारण बड़ों बड़ों का, चाहे वो दादी चंद्रमणि हो, है ना, अमीर चंद भाई जी हो, जगदीश भाई जी हो, है ना, दीदी जी हो, सबका भाई जी के ऊपर विश्वास है ना। भले ही वो लोग डायरेक्शन दे देते हैं, अगर भाई जी ने उस चीज को फाइनल किया उसके बाद ही वो चीज फाइनल होगी। तो हम भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं कि वो हमारे शो में आए, अपना बहुमूल्य समय दिया और अपने इतने सुंदर अनुभव एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। और ऑडियंस का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने भाई साहब का अनुभव सुना, और जो अनुभव में सुना उसको हमें अपने जीवन में प्रैक्टिकल करना है, उसको अपने जीवन में धारण करना है। अच्छा, ओम शांति।